इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी खत्म हो चुकी है। हमारे बीच में हमारे नेताजी माननीय जगत सिंह जी पहुंच चुके हैं। नेताजी से अनुरोध है कि वो अपने मुखारबिंद से अपने सुविचारों को अवगत कराएं। आइए नेताजी। नमस्कार नेताजी की। जय।
आप लोगों से रूबरू हो गए, मन गदगद हो जाता है। 4.5 साल बीत गए आप लोगों की सेवा करते हुए, वक्त का पता ही नहीं चला। बस ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि दिन रात आखिरी सांस तक मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं, सुख दुख में हर तरह से आप लोगों की सेवा करता रहूं, बस यही प्रार्थना है। ये तालियां बजाने का वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। अब वक्त है चुनाव का। आप सब मुझे फिर से एक बार बहुमत से जिताएं, ताकि इस गांव में फिर से तरक्की हो और मुझे सेवा करने का मौका मिले। 5 साल पहले भी आपने यही कहा था नेताजी, वो वादे कहाँ गए नेताजी? जानना चाहते हैं हम और हमारे गांव वाले, क्योंकि आज भी हम और हमारे गांव वाले वही हैं जहां 5 साल पहले थे। सड़कें तो आपने देखी ली होंगी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं नेताजी कि आज से 4.5 साल पहले इस गांव के लिए पक्की सड़क पास हुई थी, जो आज तक नहीं बनी, और जैसा कि हम सब जानते हैं वो कभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि RTI के जरिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, जानते हैं उसमें क्या है नेताजी? वो सड़क तो बहुत पहले ही बन चुकी है। वाह नेताजी वाह, हवा में बन गई सड़क। और हाँ नेताजी, एक बात और बताइए, सरकार ने 25 करोड़ रुपए आवंटित किए थे आपको इस क्षेत्र के विकास के लिए। जानना चाहता हूँ मैं और जनता, कहाँ गए वो 25 करोड़? कर लिया आपने अपना विकास नेताजी। आपने कोई नई बात नहीं कही है, कोई नया सवाल नहीं पूछा है आपने। इतने बड़े क्षेत्र के लिए 25 करोड़ क्या है, कितने कम है? बाकी रही साहब की बात, वो मैं अगली सभा में दूंगा, अभी मुझे दूसरी सभा में जाना है। फिर मिलते हैं, नमस्कार। अजी सुनते हो, जल्दी आओ और आके खाना खा लो। आता हूँ शिवा की माँ, आता हूँ। शिवा का फोन आया था। अच्छा, गांव आ रहा है वो? ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि शिवा को देखे हुए मुझे बहुत दिन हो गए और बहुत याद आती है उसकी। एक डबल खुशी की बात बताऊं शिवा की माँ? सपना का फोटो लड़के वालों ने पसंद कर ली है। अच्छा? हाँ, और कह रहे थे जितनी जल्दी हो सके शादी की बात पक्की कर ली जाए। सोचता हूँ कल ही हो आऊं, पक्की कराता हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, आप जाइए और जाके डेट भी फिक्स करके आइए। चला ही जाता हूँ। ठीक है। एक बार शादी हो जाए तो समझो गंगा नहा लिया। हमने सुना है तुमने गांव में समाज सेवा शुरू कर दी है। पहले दिन रात बॉर्डर पर रहकर भारत माता की सेवा, अब गांव वालों की सेवा, इसमें बुरा क्या है? बुरा है ना? बुरा है? समाज सेवा करना बुरा है? कैसे? क्योंकि समाज सेवा का ठेका हम लोगों ने ले रखा है। सच कह रहा है जग्गा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो चले आना हमारे ठाकुर MLA जगत सिंह के पास, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाजी, जो तुम कर रहे हो उसे बंद कर दो, वरना तुम खुद तकलीफ में आ जाओगे। तुम समझा रहे हो या धमकी दे रहे हो? समझदार हो फौजी, समझ गए होगे हमारे कहने का मतलब, या फिर से समझाऊं? जो आदमी बॉर्डर पर तोप के गोलों से नहीं डरा, वो तुम्हारी धमकी से क्या डरेगा? फौजी, ये ठीक नहीं है जो तुम कर रहे हो, संभल जाओ नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। कितना महंगा होगा ये तो वक्त बताएगा तुम्हारे MLA ठाकुर जगत सिंह को। फौजी, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? तो
क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया क्या? ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? शिवा भैया आ रहे हैं। शिवा आ रहा है? सपना, तुम सच कह रही हो ना? देखो तो, शिवा भैया के आने की खबर सुनकर कैसे पागल हो रही है। कितना टाइम हो गया शिवा को देखे हुए। अरे अरे भाभी, शिवा भैया के सपनों में मत खो जाना वरना। इसमें हट की क्या बात है, आज नहीं तो कल आपको मेरी भाभी बनना ही है ना। अच्छा भाभी, चलो चलते हैं। चलो। फौजी को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, हमारे ऊपर हाथ उठाया और उसने आपको चैलेंज किया है। जगत सिंह को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। फौजी ने गांव वालों के सामने अपनी आवाज बुलंद करके अच्छा नहीं किया है। फौजी की आवाज को हमेशा के लिए शांत करना होगा। महाकाल। नरेश ने आपका गेम करवाने के लिए सुपारी ही नहीं पूरा पान का बीड़ा दिया है भैया। चाको रखे साया, मार सके न कोई, और चाको मारे महाकाल, बचा सके न कोई। मंत्री जी, इस बार हमें चुनाव जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। काल, महाकाल। क्योंकि हमने पूरी तैयारी कर ली है। जब सामने महाकाल आता है तो सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। तभी तो हमने धड़ाम धड़ाम करके महाकाल के राम नाम सत्य की विशेष व्यवस्था की है। थोड़ी ही देर में महाकाल का काम 35 हो जाएगा। महाकाल कल का सूरज नहीं देख पाएगा, क्योंकि हमने पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है नरेश जी, देखते हैं आपकी ज्यादा तैयारी है। एक मिनट मंत्री जी, जरा होल्ड कीजिए महाराज। महाकाल, महाकाल। कितने पैसे हुए? 7 रुपये। तुझे सीटी बजाने का बहुत शौक है ना? अब मैं बजाती हूँ तेरी सीटी। Hey!
बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन दद्दा तुम अच्छा नहीं कर रहे हो बीड़ी पी के। ये बीड़ी है ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समझे दद्दा? बाबूजी आओ मेरे शेर, आओ बैठो, खुश रहो खुश रहो। महाकाल बाबूजी, वो नरेश था ना? हाँ, क्या हुआ उसको? कुछ देर में वो टीवी पर दिखाई देगा। टीवी पर दिखाई देगा? ऐसा क्या किया उसने? उसने हमारा काम तमाम करवाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसका काम 35 कर दिया। 35? मतलब राम नाम सत्य है। महाकाल, एक का काम और 35 करना है। आदेश। खेड़ा गांव का एक फौजी रिटायर हो गया है, उसकी जुबान से हमारे खिलाफ चिंगारी की भूसी आ रही है। इससे पहले कि ये चिंगारी शोला बन जाए, हम चाहते हैं कि तुम उसे हमेशा के लिए शांत कर दो। शोलों से खेलना महाकाल को बखूबी आता है। आप फिक्र न करें, चादर ओढ़ के सो जाइए। जियो मेरे शेर, जियो। फौजी का काम समझो तमाम। ये तो गांव में कहीं जाकर खून खराबा ना करे, इससे पहले मुझे पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। शारदा, शारदा, अरे जल्दी करो भाई। अगर ये बस भी छूट गई ना, तो अगली बस 2 घंटे बाद है। तुम्हारा भी ना बस काम ही पूरा नहीं होता। आपको तो हमेशा जल्दी लगी रहती है। बैठिए पहले, ये दही खा लीजिए, शुभ होता है। क्या शारदा, तुम्हारा भी बस नाराज हो गई? नाराज ना हो मेरी फौजाइन, लाओ। और हाँ, लड़के के माता पिता से साफ साफ कह दीजिएगा कि दहेज में एक कौड़ी नहीं देंगे हम, लेकिन बारातियों की अच्छे से खातिरदारी करेंगे। अगर आपकी बात पक्की हो गई ना, तो लड़के का फोटो भी लेके आइएगा। ठीक है। किसकी फोटो की बात हो रही है माँ? अरे मेरे प्यारी प्यारी राजकुमारी के होने वाले राजकुमार की। शर्मा गई। हमारी सपना बेटी है ही शर्मिली। अच्छा तो निकलना चाहिए। हो तुम लोग? कपड़ा को छोड़ दो। छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे फौजी। अरे काय को फड़फड़ा रहे हो? हैं? बेटी को बहुत प्यार करते हो ना? ना ना फौजी ना, आगे पढ़ने की गलती मत करना। तनिक भी होशियारी करने की कोशिश की ना, तो ये तुम्हारी बिटिया है ना, सपना तुम्हारे लिए सपना बन के ही रह जाएगी। हम कन्नौज की धरती पर पैदा हुए हैं, जहाँ सैकड़ों वीरों ने जन्म लिया और अपनी आन पान और शान के लिए अपनी जाने ने उछावर कर दी। तू धमकी देगा मुझे? तू फौजी को धमकी देगा? तू महाकाल, काल काल महाकाल। माँ बचाओ! क्या बात है फौजी, क्या बात,
बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यमराज का दूसरा नाम महाकाल। महाकाल छोड़ दे सपना को। बहुत ताकत है तेरे शरीर में फौजी। मैं तुझसे फिर कहता हूँ महाकाल, सपना को छोड़ दे। छोड़ दो दिलावर, छोड़ दो। सपना। मैंने तेरी बात मान ली फौजी, अब तू मेरी बात मान। एमएलए जगत सिंह के रास्ते से हट जाओ वरना। वरना? क्या वरना? गोलियां चलेंगी, खून खराबा होगा। हंसना बंद कर फौजी, और मेरी बात का जवाब दे। महाकाल, फौजी ने जो बात एक बार अपने दिमाग में ठान ली। सपना, 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 तेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार है तेरा पति, और जो मैं चाहता हूँ वो तेरा पति करेगा या नहीं? जो कहोगे ये वही करेंगे। यही तो मैं चाहता था। देख फौजी, इसे कहते हैं त्याग। इन्हें छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगी। फौजी को गोली मत मारना। अपने साथ यही तक था। शादा शादा अपने शिवा का क्या होगा। महाकाल की बात न मानने पर यही अंजाम होता है फौजी।
खेड़ा गांव चलोगी? हाँ चलो बैठो, आ जाओ चलो। जिस बात का डर था इंस्पेक्टर साहब, वही बात हो गई। साहब ये तो मर गए। नहीं नहीं ये मरे नहीं है, ये दोनों अपने गांव के लिए शहीद हुए हैं। तुम ठीक कह रहे हो विक्रम, अगर हर गांव वाला जुल्म सैनिक के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मैदान में उतर जाए तो ना जुल्म हो ना जुल्म करने वाला हो, और आज ये अनहोनी भी ना होती। पुलिस बाबू मैं भी अपने फौजी चाचा की तरह फौजी बनूंगा और मैं महाकाल को मार दूंगा। चल चल घर चल चल चल। तुम लोग अगर इसी तरह महाकाल के डर से जीते रहे तो पुलिस वाले तो क्या तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। कितना हुआ? 20 रुपए। ये लो। शिवा आ गया। क्या हो गया सपना? सपना उठो सपना। माँ माँ पिताजी पिताजी उठिए माँ। तेरी मौत है महाकाल। शन्नों की जवानी दीवाना हिंदुस्तान हो गया। हाँ हाँ।
बेटा हम गांव वाले महाकाल के भय से ही जागते हैं, महाकाल के भय से ही सोते हैं, न जाने वो कब आएगा क्या करेगा। काका अगर वो महाकाल है तो मैं भी शिवा हूँ, शिवा महाकाल की मौत। बेटा महाकाल को मारना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी पहुंच यहाँ के बड़े बड़े लोगों से है, जिसके लिए वो काम करता है आज तक एक भी सबूत नहीं है उसके खिलाफ। काका मैं महाकाल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा, और जो गांव वालों के मन में महाकाल का डर है उसे भी मैं निकालूंगा। बेटा इस लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बापू ठीक कह रहे हैं शिवा, और इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। काका आप देखना, एक दिन यही गांव वाले उसका काल बनकर उसके सामने खड़े होंगे। हाँ शिवा एक दिन जरूर ऐसा होगा। काका मैं कल ही जाकर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराता हूँ। ठीक है बेटा ठीक है। सर नमस्ते। नमस्कार बैठो। बोलिए। सर मैं महाकाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। शिवा आज पहली बार कोई महाकाल के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया है। हम पुलिस वाले कभी भी किसी भी अपराधी को पकड़ने में कमी नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये अपराधी बचते रहते हैं। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे परिवार की मौत का मुख्य कारण है MLA जगत सिंह, जिनके कार और घपलों की पोल मेरे पिताजी ने खोलने की कोशिश की। के जनहित से मिले पैसों से महाकाल जैसे गुंडे पालते हैं, ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज उठे तो उसके हलक में ही उसे दफन कर दिया जाए। सही कहा शिवा तुमने, हम पुलिस वाले भी इन्हीं लोगों के कारण परेशान रहते हैं। जब भी किसी अपराधी को पकड़ते हैं फोन और मोबाइल की घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। यादव जी इनकी FIR लिख लो, जाइए शिवम। धन्यवाद। हेलो हेलो सलमान, हेलो हम डायरेक्टर डायरेक्टर लुंगी वाला बोलता, हमारा फोन है सलमान को देने का। तुम हमारी बात पर काहे को हंसा? तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है और सलमान मुंबई में, कैसे लगा तुम्हारा फोन सलमान? एकदम सही बोला ये। हेलो अरे सलमान, हम तुम्हारे वास्ते इधर UP में हीरोइन ढूंढने को आया। अपन को जैसे ही मिल जाएगा ना, आप पहला फ्लाइट पकड़ के इधर आने का और हमको शूटिंग करने का, चलेगा ना? बच्चा मेरा खुश रहने का। ओके बाय बाय। सुपरस्टार सलमान से बात कर रहे थे। तुमको कैसे पता चला? सलमान जब हीरो बनने गया था तब मैंने अपने इसी ऑटो पर बिठा के स्टेशन जाके मुंबई की ट्रेन पे बिठाया था। हीरो बनेगा इस ऑटो में बैठ गया ना, समझो हीरो बन गया। सन्नो जी ये बहुत पहुँचे हुए डायरेक्टर है, टॉप के डायरेक्टर है। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। इन्होंने किसी से सीखा नहीं, हम इसके वास्ते 100 करोड़ का फिल्म बनाता। चलो बाहर निकलो, आ गया तुम्हारा आटा, और 20 रुपए ढीले करो। चलो अरे सामान लेने का भाई। हाँ, ले रहे। चलो चलो जल्दी आने का बार पॉकेट हिले। चलो भाई इसको 20 रुपए हाँ। देने का। तुम्हारा गांव किधर? उधर उधर इधर खड़ा का एक चलो। चलने का 20 रुपए तो है नहीं पॉकेट में, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है डायरेक्ट डायरेक्टर लूंगी वाला। सर आपके इधर हम पहली बार इतना ब्यूटीफुल लोकेशन देखा, इतना ब्यूटीफुल लोकेशन देखा, आज तक हम हिंदुस्तान में ऐसा गांव में लोकेशन नहीं देखा। अच्छा तो आप फिल्म बना रहे हैं? यस 100 करोड़ का। 100 करोड़ का? यस।
मेरे हिसाब से बजट कुछ कम तो नहीं लग रहा आपका? वो कैसा सर? अरे अंग्रेजों के जमाने के रईस खानदान में से हम, और अंग्रेज पैदल शिकार किया करते थे, हमारे दादा हाथी पे घोड़े पे शिकार किया करते थे, और 100 करोड़ तो हमारे लिए हाथ का मैल है, और उसी खानदान का इकलौता चिराग है हमारा शिवम। सर एक बार हम इसको लेके फिल्म बनाया ना, तो आपका ये चिराग है ना, ये चिराग सूरज बन के पूरी दुनिया को चमका डालेगा। क्या नाम रखा है आपने फिल्म का? सर फिल्म का नाम सुपर पंच रत्न, मतलब पांच रत्न। आप ये नहीं जानने का, ये हमारा पांच रत्न कौन 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 से हैं आपके पांच रत्न? सर पहला रत्न सलमान, दूसरा रत्न शाहरुख, और तीसरा ऋतिक, और चौथा वो अमित जी। और पांचवा? सर पांचवा रत्न मेरा ये, अगर आप 100 करोड़ देने का, ये मेरा पांचवा रत्न बनने का, हमारी फिल्म में एक 10 टंकी आइटम भी होने का। 10 टंकी क्या है? 9 टंकी तो मैंने देखी है सर, 10 टंकी क्या है मुझे समझ में नहीं आया। आपका यूपी का 9 टंकी, हमारे साउथ का 1 टंकी, और दोनों को मिलाने का तो कितना हुआ 10 टंकी। ऐसा नाचते ऐसा नाचते ऐसा नाचते ऐसा नाचते। इसको संभालो या उसको संभालो, हाँ। इसको संभालो
कमिश्नर हो खुद पे नहीं है किसी का कंटर। अल्लाह एमपी मिनिस्टर हो चाहे कमिश्नर हो खुद पे नहीं है किसी का कंटर। बच्चन दीवाना है देवगन का कहना है मेरी जवानी है पूरी मटर। इतना कन्फ्यूजन है हिला हुआ सिस्टम है बिजली में मेरा फोन का गया। किसको संभालो किस किसको संभालो पीछे पड़ा है मेरा डॉन माफिया। अयो रमा 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 अयो रमा। सिंगापुरी नहीं सोनापुरी ये मीठी शन्नू जी क्या हो रहा है? देख नहीं रहा है? अपना ऑटो साफ कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ? क्या मैं भी अपना हाथ साफ कर लूँ? कहने का मतलब ऑटो साफ कर दूँ? कभी 440 वोल्ट के करंट का झटका खाया है? नहीं खाया 440 वोल्ट का झटका। पक्का नहीं खाया? पक्का नहीं खाया। सच्ची में नहीं लगा? मुच्ची में नहीं, नहीं लगा? कभी नहीं लगा। अरे वाह, नहीं लगा? नहीं कभी नहीं। कैसा लगा? 440 का लगा। दीदी एक बात बोले। हाँ बोलो भैया। किसी को बोलना तेरी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मजनू की औलाद। क्या चाल क्या मटकती है। हाय बड़ा नमकीन है रे। चल चख लेते। आजा। रानी बैठो बाइक पे, छोड़ देता हूँ। नहीं आप क्यों तकलीफ करेंगे, हम खुद चले जाएंगे। अच्छा नहीं लगता आपको पैदल जाते देखते हुए? छोड़ दो मुझे वरना। वरना क्या, तुम्हारे जैसी हसीन सामने खड़ी हो तो किसी और में क्या मजा। बड़ी नमकीन है रे। कौन है बे तू? Thank you.
कितनी चोट लग गई शिवा। कैसी बातें करती हो गौरी, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो अब लगती रहेंगी। तुमने जिसको मारा है जानते हो कौन थे वो? जो भी हो, लड़की छेड़ेगा तो मारी खाएगा। महाकाल के आदमी थे वो। महाकाल? वो क्या कोई औरत है जो उसके आदमी थे? महाकाल बहुत ही खतरनाक है वो, पूरा इलाका कांपता है उसके नाम से। एक सलाह देते हैं आपको, महाकाल से जाकर माफी मांग लो। मैं कोई कायर का बेटा नहीं, फौजी का बेटा हूँ। और रही बात माफी की, तो देखना एक दिन महाकाल मुझसे खुद माफी मांगेगा। आप भी क्या मजाक करते हो, महाकाल और माफी। चलो घर चलते हैं शिवा। आज पहली बार कोई मर्द दिखा है जो महाकाल की मौत बन सकता है। अरे महाकाल अपनी जगह पर है भाई, ये तो सही कह रहे हैं भैया। अच्छा बस ठीक है तू? हाँ सब ठीक हो जाए। हाँ ये चिंता की वाली बात ही नहीं। आओ महाकाल। और दिलार ठीक तो है? अरे बहुत बढ़िया, आइए तशरीफ रखिए। और इसने की तुम्हारी हालत? गांव के बाहर एक लड़की के साथ टाइम पास कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक शहरी आ गया और उसने तुम्हें मार मार कर तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दिया। दिलावर आदेश महाकाल, गांव में जाकर पता करो कि ऐसा कौन सा मर्द आया है जिसने महाकाल के बच्चों को मार कर अपनी मौत को दावत दी है। महाकाल, मैं गांव जाऊंगा, पता लगाऊंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि उस शहरी को उसकी मौत गांव लेकर आई। मैं बताती हूँ, फौजी का बेटा है वो। मैंने उससे माफी मांगने को कहा तो बोला एक दिन महाकाल आकर मुझसे माफी मांगेगा। मौत का दूसरा नाम है महाकाल, और महाकाल से टकराने का मतलब है मौत, मौत। महाकाल हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know। पंडित भैया, ओ पंडित भैया जरा बाहर आओ। अरे मोजीलाल। पंडित भैया प्रणाम। जीते रहो। कैसे हो पंडित भैया? देखो हमने तुमको कितनी बार समझाया है कि हम तुम्हारे भैया है या नहीं है। अगर हम तुम्हारे भैया नहीं है पंडित जी, तो हमारी शक्ल 200% क्यों मिलती है? भगवान ने यही तो अनर्थ किया हमारे साथ। वो भगवान किसी के साथ अनर्थ नहीं करते, ये तो हमारे पिताजी का कमाल है जो हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते थे, और हम दोनों उसी सेवा का फल है। बस बस, मेरे पिताजी के बारे में गलत बोला तो ठीक नहीं होगा। कल अपने पिताजी का सेंचुरी बर्थडे है भैया, सोचा 100 किलो का केक मंगवा कर काटा जाए और बर्थडे मनाया जाए, कैसा रहेगा भैया? तुमको जो करना है करो, हम चले पूजा करने। एक दिन मानना पड़ेगा पंडित भैया कि हम एक माली के दो फूल हैं। मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा, और तुम हो कि यहाँ नदी के किनारे बैठे हो। गौरी हर समय सोते जागते हर वक्त सिर्फ महाकाल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहता है।
और जब तक मैं महाकाल को उसके कुकर्मों की सजा नहीं दे देता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ शिवा, और ये भी जानती हूँ कि हमें महाकाल के साथ बहुत ही सोच समझ कर खेल खेलना होगा। तुम ठीक कह रही हो गौरी, हमें गांव वालों को जगाना होगा और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो शिवा, मैं तो 7 जन्मों तक तुम्हें साथ देने का वादा कर चुकी हूँ। कितना खुश था मेरा पूरा परिवार जब तुम्हारी और मेरी शादी की बात पक्की हुई थी। सारी खुशियाँ पल भर में बिखर गई। शिवा, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशी बन के आऊंगी जो तुम्हारे लिए चाचा चाची और सपना की कमी को कुछ कम कर सकूं। तुम ही तो हो गौरी जिससे मैं दिल की बात कह सकता हूँ, दर्द बांट सकता हूँ। शिवा, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो प्यार हुआ, आहा, आहा।
सितार बजा हड़ाल हड़ाल महाकाल क्या ये क्या करने आया भाई? अरे अरे गांव में क्यों आया? किसने क्या कर दिया? आज हम यहाँ कोई लूटपाट करने नहीं आए हैं और ना ही कोई खून खराबा। ए गांव वालों, हम यहाँ पर उस फौजी के बेटे शिवा को ढूंढने आए हैं जो इस गांव में तुम लोगों का हीरो बनकर आया है। उसने महाकाल के आदमी को मारा है। अगर तुम लोग उसे हमारे हवाले कर दो तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अबुआ इधर आ। कहाँ है शिवा? हमको नहीं मालूम सरकार। ए हरिया इधर आ। तुम्हें तो हर परिंदे की खबर रहती है। हमका मालूम हो तो हम सरकार का जरूर बताओ। नहीं मालूम ना ही सरकार। काका तुम्हें तो जरूर पता होगा कि वो शिवा कहां पर है। तुम लोग नहीं जानते, शिवा तुम्हारी मौत बनकर आएगा। अच्छा, शिवा हमारी मौत बनकर आया है? भीखू, इस बुड्ढे में इतनी गोली मार कि उसकी आवाज सुनकर शिवा हमारे पास खुद चलकर आए, गिड़गिड़ाए हमारे सामने, हाथ जोड़े, मार गोली। कौन से तेरे कुत्ते? तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। शिवा, तू महाकाल से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं कर रहा है। वो इस गांव को शमशान घाट बना देगा। शमशान तो बनेगा लेकिन गांव वालों के लिए नहीं, महाकाल और उसके पालतू कुत्तों के लिए। बहुत जुल्म ढाए हैं गांव वालों पर अब और नहीं। चल हट। शिवा तू ठीक नहीं कर रहा है, देख लूंगा तुझे। चल कर। देख लूंगा तुझे, मैं देख लूंगा। कहते रहे अपने महाकाल से कि उसकी कहानी का एंड आ चुका है। शहरी को पकड़ने गए थे और देखो खाली हाथ आ गए। भेजा खराब मत कर शन्नो, उस शहरी को तो मैं ऐसी मौत दूंगा। मौत तो तब दोगे जब वो तुम्हारी गिरफ्त में होगा। क्या मतलब? मतलब ये है महाकाल कि उस शहरी का पूरा गांव साथ दे रहा है और वो तुम्हारे खिलाफ पूरे गांव वालों को भड़का रहा है। तब मैं पूरे गांव को ही आग के हवाले कर दूंगा। अब उस शहरी को पकड़वाने के लिए इस शन्नो को ही कोई चाल चलनी पड़ेगी। अब ये शन्नो अपनी चाल से देखो शहरी को कैसे पकड़वाती है। महाकाल एक बात, जब तक तुम हमें जिताते रहोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। सुनने में आया कि खेड़ा गांव के लोगों ने हमारे खिलाफ बगावत तेज कर दिया। जो गलती फौज ने की थी वही गलती उसका सबोला बेटा शिवा कर रहा है। इससे पहले शिवा हमारी हार का कारण बने
तुम कुछ ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न। ऐसा ही होगा बाबूजी, ऐसा ही होगा। तेरे खेत जय हो। Ah!
को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ये तो शिवा है, देखो खून कितना बह रहा है। 108 नंबर पे फोन लगाओ बेटा। जी अब्बू, लगाता हूँ अभी। 108 नंबर। माने माने शन्नो इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है, मुझे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। तुम ठीक कह रही हो गौरी, कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। शन्नो गांव की खबरें महाकाल को देती है, इसीलिए उसके पास सिर्फ गांव की नहीं पूरे एरिया की खबर रहती है। अब कैसा महसूस कर रहे हो शिवा? अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। 15 दिन हो गए बेड पे लेटे लेटे। भाई जान, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कल परसों में आपको डिस्चार्ज कर देंगे। समय से दवा लेते रहना, 4-5 दिनों में जख्म भर जाएगा। डॉक्टर साहब, अब तो ये जख्म तभी भरेंगे जब मैं महाकाल को गांव वालों के सामने मौत के घाट उतारूंगा। राम 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 राम, तुझे कितनी बार समझाया है कि सामने देख कर चला कर। पंडित भैया, अगर हफ्ते में 2 दिन नहा लोगे तो क्या वजन घट जाएगा? कौन कहता है कि हफ्ते में 1 दिन नहाता हूँ मैं? ये हम नहीं कहते, ये हमारे पिताजी कहते थे। तुझे पिताजी ने कब बताया? जब रात 12 बजे हमारी अम्मा से चुपके से मिलने आते थे, जब हम अपनी अम्मा के पेट में आराम कर रहे थे तब। हम दोनों के पिता एक ही हैं, इसका सबूत क्या है? सबूत चाहिए? इतना बड़ा डबल रोल सामने खड़ा है, और क्या सबूत चाहिए? मजा लूटे पिताजी और सजा भुगते बेटा जी। आप हीरोइन बनने का? यस। ये साड़ी पहन के तुम हीरोइन नहीं बनता। ये साड़ी पहन के तुम मम्मी बनता, और हमारी फिल्म में हम हीरोइन के मम्मी का कोई काम नहीं रखता, क्योंकि हीरोइन से ज्यादा हीरोइन की मम्मी का नखरा होने का। Baby,
होने का राउंड 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 36 26 36। आइए पिछला 5 साल से हम पूरा इंडिया में डिस्कवरी करता हम अपनी फिल्म की हीरोइन का, जो दिखता वही बिकता। तुमको डायलॉग बोलना आता क्या? बंद करो नारी जाति के साथ अन्याय और अत्याचार करना, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि माँ की ममता के लिए तरसोगे, रक्षा बंधन के दिन बहन के लिए तरसोगे, बेटी के दुलार के लिए तरसोगे, पत्नी के प्यार के लिए तरसोगे। बेटी के लिए जिसे तुम बड़ा दुलार करते हो वो नसीब नहीं होगा। बंद करो बच्चियों से अत्याचार करना, बहुत हुआ, अब नहीं सहा जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तुम डांस कर सकता क्या? म्यूजिक म्यूजिक पे तो कोई भी डांस कर सकता बगैर म्यूजिक के करने का तो कमाल होने का, डांस करके दिखाने का। वेरी गुड। वाओ, तुमको तो डांस मास्टर का भी जरूरत नहीं, वो भी पैसा हमारा बच्चा। अच्छा तुमको रोमांस करना आता क्या? अच्छा तुमको फाइट करना आता क्या? कौन? अयो तुम कब आया? तुम जब ही हमको देखा हम कभी आया। अयो तुम्हारा ये हाल कैसा हुआ? हाल ये हाल नाचो। तुम्हारा चेन अंगूठी सब किधर गया? वो कालू के काल महाकाल के एरिया में एक लड़की हीरोइन बनने को आया। चेन अंगूठी लूटा, उधर से मैं भागा, चेन में संदास में बैठ के इधर तक आया मैं। तभी तो सोचूं ऐसा सेट कन्नौज में कभी से मिलने लगा। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम्हारा जान तो बच गया। चलो चलो नहा लो। 4 दिन का भूखा, कुछ खाने को? चलो चलो पहले नहा लो फिर खाना। चलो ठीक। अरे चाचा। शिवा तुम यहाँ? बस बेड पर लेटे लेटे बोर हो रहा था, सोचा टहल आए। ये तो बहुत अच्छा किया, बैठो। विक्रम चाचा एक बात बताइए। हाँ पूछो। सारा गांव महाकाल से डरता है, लेकिन आप अपाहिज होने के बावजूद महाकाल से लड़ने की हिम्मत रखते हैं? शिवा अपाहिज होने से हौसला कम नहीं होता, और रही महाकाल की बात तो दुश्मन से कभी डरना नहीं चाहिए। वैसे महाकाल से आपकी दुश्मनी क्या है? शिवा इस गांव में हमारा भी खुशियों मनाने की एमएलए जगत सिंह की बेटी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कभी चलकर किसी के पास नहीं आती है, इंसान खुद मौत के पास जाता है। जैसे तू मेरे पास आया है, तेरी मौत मैं हूँ। अगर मैंने अपने बाबूजी से कह दिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम
एमएलए जगत सिंह की बेटी ना होती तो अब तक तुम्हारी जुबान हलक से खींच लेता। सदियों से प्यार करने वालों को अपनी जान देकर एक होना पड़ता है। अगर हम एक साथ जी ना सके तो कम से कम एक साथ मर तो सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, मैं तेरी टांग काटूंगा। टांग टाइगर। छोड़ दो। चाचा, जब जब इस धरती पर अत्याचार का बोझ बढ़ता है तब कोई ना कोई उस बोझ को कम करने के लिए, उस पापी का अंत करने के लिए उसका काल बनकर पैदा होता है। और इस महाकाल का काल मैं हूं। एक एक जुल्म का हिसाब होगा चाचा, एक एक जुल्म का। हमेशा मेरी नजरों के सामने रहते हो, लेकिन ये चंदा तुम्हारी बाहों में समाने के लिए बेताब हो रही है। शिवा, तुम्हारी ये गौरी अब जितनी भी सांसें भरेगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आगोश में।
पूछो न कैसे मैंने तन्हा में दिन गुजारा। आने न देंगे अब हम दिन वो कभी दोबारा। हाँ पूछो न कैसे मैंने तन्हा में दिन गुजारा। आज की मीटिंग का मकसद है आने वाले चुनाव और से जीतने की तैयारी करना। चुनाव को जीतने के लिए सिर्फ दो ही मंत्र हैं, प्यार और भय। अब चुनावी टिकट लेने के लिए हमें पार्टी को करोड़ों रुपया देना पड़ता है, करोड़ों रुपया प्रचार के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। यही नहीं, जनता हमसे करोड़ों रुपया लेकर हमको जिताती है, फिर बाद में जिताने के बाद में हमसे कहती है कि नेताजी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। आजकल राजनीति व्यापार बन गई है, व्यापार। करोड़ों रुपए का जुआ खेलना पड़ता है, करोड़ों रुपए का। इसलिए आने वाले चुनाव के लिए हमें कोई कसर बाकी नहीं रखनी है। जीतने के लिए हमें साम दंड भेद सब कुछ। ये क्या किया तुमने महाकाल? बाबूजी, चुनाव जीतना है तो लेकिन किंतु परंतु वालों को दूर रखना होगा। यह आदमी अपनी पार्टी का नहीं रहा बल्कि खबरी बनकर आया था। इसने पाला बदल लिया है बाबूजी। महाकाल, मेरा शेर महाकाल, तुम ही हो जो जगत सिंह के दुश्मनों को अंत करने के लिए साक्षात महाकाल। कालों का काल मैं हूं, महाकाल।
मुझे लगता है कि हम सब गांव वालों को मिलकर महाकाल जैसे पापी से एक बार मुकाबला कर ही लेना चाहिए। काका, लगता है आपकी तरह आपका दिमाग भी बुढ़ा हो गया है। इंसान कभी बुढ़ा नहीं होता, उसकी सोच बुढ़ी होती है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, महाकाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तुम कह रहे हो शिवा? अभी कुछ ही दिन हुए महाकाल ने मार मार के तुम्हें अधमरा कर दिया था। उसके बाद भी शिवा महाकाल से मुकाबला करने से नहीं डरता, और मैं अपाहिज होते हुए भी महाकाल से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। विक्रम, जो तुम्हारे और शिवा के परिवार के साथ हुआ वो हमारे साथ हो, हम नहीं खड़े हो सकते महाकाल के सामने। वाह, क्या मर्दों वाली बात कह दी आपने। अरे हिम्मत नहीं है ना तो घर पर चूड़ियां पहनकर चूल्हा चौका करो, कोई जरूरत नहीं है। हम औरतें मिलकर कर लेंगी महाकाल से मुकाबला। जो खुद की मदद करते हैं भगवान और अल्लाह भी उनकी मदद करते हैं। अगर हम औरतें ममता का दरिया बनकर बह सकती है तो दुर्गा, काली और लक्ष्मी बनकर महाकाल और उनके साथियों का खून भी पी सकती है। तो दीदी सही कह रही है। अब वक्त आ गया है महाकाल के खात्मे का। महाकाल के पापों का घड़ा भर चुका है, बारूद भी इकट्ठी हो चुकी है, बस आग लगाना बाकी है। चीयर्स, चीयर्स महाकाल, चीयर्स। महाकाल, मजा आ गया। महाकाल। अरे शन्नू तुम आओ बैठो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। क्या खबर लाई हो शन्नो? महाकाल, तुम्हारे खिलाफ गांव वाले बगावत पे उतर आए पूरी तरह से। बगावत? मेरे खिलाफ बगावत? महाकाल के खिलाफ बगावत? अगर तू सच कह रही है शन्नो, तो इस खेड़ा गांव को शमशान होने से कोई नहीं बचा सकता। महाकाल शेर है शेर, और शेर की मौत मरेगा। लेकिन उससे पहले शन्नो, महाकाल का भय इतना ज्यादा हो जाएगा कि इंसान धरती पर आने से पहले भगवान से कहेगा कि मुझे कहीं भी पैदा करना, लेकिन महाकाल के इलाके में मत पैदा करना। महाकाल के इलाके में मत पैदा करना। गांव वाले घर घर में लकड़ियां इकट्ठा करने लगे हैं तुम्हारी चिता के लिए महाकाल। फिलहाल तो महाकाल के सर पे काल मंडरा रहा है। गांव में ये बगावत की बारूद फौजी के बेटे शिवा ने इकट्ठा की है। महाकाल, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसी बारूद से उस गांव को भस्म कर दूंगा। अभी नहीं दिलावर, अभी नहीं। गांव की दीवार पर पैगाम लगवा दो, हमारी दुश्मनी हर उस आदमी से है जो महाकाल का हुक्म नहीं मानेगा। बिल्कुल। जो महाकाल का दोस्त नहीं वो महाकाल का दुश्मन है, दुश्मन। गांव वालों, मैं जानता हूँ फौजी का बेटा शिवा तुम लोगों को गुमराह कर रहा है। शिवा को हमारे हवाले कर दो, और अगर ऐसा नहीं किया समझ लो महाकाल गांव के घरों में काल बनकर तांडव करेगा। कोई किसी के लिए रोने वाला नसीब नहीं होगा। महाकाल। नेताजी, प्रदेश की जनता से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, और ये जात पात ना तो हम मानते हैं और ना हमारी पार्टी मानती है। पूरे प्रदेश की जनता के लिए हमारे दिल में समान सम्मान है और वही भाव है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को जिसने हमें पूर्ण बहुमत से जिताकर यहाँ पहुँचाया है। माफ कीजिए, हमें आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया।
नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बस और ये बताएं आपके क्षेत्र के क्या हालचाल हैं? नेताजी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र में महाकाल का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उसका भय बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में जगत सिंह के इशारों पे महाकाल का आतंक बढ़ते जा रहा है। एक फौजी का बेटा शिवा जो गांव वालों के साथ मिलके गांव में महाकाल के खिलाफ जंग छेड़ रहा है, वो शिवा के खिलाफ महाकाल ने पैगाम रखा है। और अगर गांव वालों ने शिवा को महाकाल के हवाले नहीं किया तो रोज गांव वालों को एक एक करके वो मारेगा। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आईजी से बात करता हूँ, मैं आज ही ऑर्डर पास करवाता हूँ और इस महाकाल को मैं जिंदा या मुर्दा कैसे भी गिरफ्तार करवाता हूँ और कानून के शिकंजे में इसको मैं अंदर लेता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जहां भी पैसा लगाते हैं डबल या ट्रिपल करने के लिए लगाते हैं। आपके पास दो बार पैसा लगाया इलेक्शन और लॉस ही लॉस है। अब की बार अरे लाला जी कैसी बातें करते हैं आप, हा? कैसी बातें करते हैं आप। अरे ये चुनाव हमें जीतना है, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। हाँ पूरे के पूरे वोट हमें पढ़ने चाहिए। बाबूजी ये कौन सा खेल खेला जा रहा है मेरे साथ? खेल तुम्हारे साथ? मैं समझा नहीं।
मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया है सरकार ने। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। महाकाल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी सीएम से बात करता हूँ। जगत सिंह जी। अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? भाई, सीएम साहब से अगर मिलना हो, बात करनी हो, तो आपसे अच्छा तो कोई माध्यम है ही नहीं। अच्छा अच्छा, सीएम साहब से बात करना चाहते हैं आप? बहुत सही टाइम फोन किया है आपने। ठीक है, रुकिए, बताते हैं उनको, बात कराते हैं आपसे। जगत सिंह का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार सीएम साहब। नमस्कार नमस्कार जगत सिंह जी, आज कैसे याद कर लिया आपने? मैं आपकी पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ सीएम साहब। जगत सिंह जी, आप और मेरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? ये क्या है? अरे भाई, कौन सी साजिश है ये? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सीएम साहब। आपकी पार्टी को 100 करोड़ का पार्टी फंड भी दूंगा, मगर एक शर्त है मेरी। शर्त? कैसी शर्त? ये महाकाल की गिरफ्तारी के जो वारंट है उसे कैंसिल करवा दीजिए। तो मतलब ये है कि आप सौदा करना चाहते हैं? जगत सिंह जी, आप जैसे ही नेताओं ने इस देश की और उत्तर प्रदेश की तरक्की को रोक के रखा है। हम युवाओं, गरीबों और किसानों का विकास चाहते हैं, लेकिन आप जैसे नेता राजनैतिक दलदलों में जिस तरह प्रदेश को और देश को खोखला करते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सुन रहे हैं ना आप जगत सिंह जी? कान खोलकर सुन लीजिए, हमारी पार्टी को और न ही हमें आप जैसे किसी भी नेता की कोई जरूरत नहीं है। और अब उस महाकाल को आप तो क्या, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आपके 100 करोड़ आप अपने पास ही रखिए और दोबारा कभी सौदा करने की कोशिश मत करना। ओके? हेलो हेलो हेलो, क्या बोले सीएम साहब? काट दिया, फोन काट दिया। मेरी एक सलाह मानो, महाकाल कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, समझा करो, इलेक्शन सर पर हैं, जस्ट कुछ दिनों के लिए। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है तुम्हारी तरह। मैं राजनीति नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जैसे नेताओं की चाल न समझ सकूं। महाकाल, महाकाल, पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? नीचे करो, गन नीचे करो। बाबूजी, महाकाल नाम है मेरा। महाकाल, महाकाल। शिवा, मैं सोच रही थी कि महाकाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शिवा से माफी मांगने आई हूँ। शिवा, मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें और गांव वालों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ी। मेरा मकसद था महाकाल की मौत, क्योंकि महाकाल से मुझे अपना पुराना हिसाब बराबर करना है। तुम्हारी महाकाल से क्या दुश्मनी है? आज से 5 साल पहले होली वाले दिन, I'm gonna go get some.
छुआ बदन चुलू गोरी हरे हरे गोरी रंगीली होली में छुआ बदन चुलू गोरी हरे हरे गोरी रंगीली होली में छेड़ेंगे तुझको गोरी रंगों की इस होली में सब कुछ तेरा रंग डालेंगे झुक जाओ चाहे खोली में ए गोरी हम छेड़ेंगे तुमको गोरी रंगों की इस होली में सब कुछ तेरा रंग डालेंगे झुक जाओ चाहे खोली बदन चुलू गोरी हरे हरे गोरी रंगीली होली में बदन खेले होली हरे हाँ होली रंगीली होली अरे भैया 60 बरस की नारी लागे 16 बरस की छोरी रे अरे ठीक कह रहे हो रसिक चाचा हाँ 60 बरस की नारी लागे 16 बरस की छोरी रे हम भी हो गए 18 के हम भी हो गए 18 के सुन लो भैया होली में हम भी हो गए 18 के सुन लो भैया होली में हाँ भैया होली में लाज शर्म सब छोड़ दे गोरी आजा हमारी टोली में पूरे साल की आज मजा नहीं आज करेंगे होली में सच कहते भैया लाज शर्म सब छोड़ दे गोरी आजा हमारी टोली में पूरे साल की आज मजा नहीं आज करेंगे होली में चुलू गोरी हरे हरे गोरी रंगीली होली में बदन खेले होली हरे हाँ होली रंगीली होली में जग छिड़ी है लोगों में जग छिड़ी है लोगों में मुझे कौन रंगेगा होली में होली में छुआ बदन चुलू गोरी हरे हरे गोरी रंगीली होली में छुआ बदन खेले होली हरे हरे होली रंगीली होली में
मैं तो तुम पे भरोसा कर सकता हूँ शन्नो, लेकिन गांव वालों को तुम पर भरोसा होगा? मैं दिलवाऊंगी गांव वालों को विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौरी चलो, कल मैं तुम्हें ग्रीन गैंग से मिलवाती हूँ जो हमारी मदद करेंगे। ठीक है शन्नो, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। हम सब मिलकर महाकाल से मुकाबला करेंगे। महाकाल का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब हम सब औरतों को मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। महाकाल किसी भी समय गांव वालों पर हमला कर सकता है, क्योंकि मैं महाकाल को अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारा ग्रीन गैंग किसी महाकाल से नहीं डरता, और हम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। इस महाकाल का मुकाबला हम सभी नारी शक्ति, सभी महिलाएं मिलकर का मुकाबला करेंगे। उठा दुनिया की नियमतों का अल्लाह को याद करने के बाद, मग़फ़िरत की उम्मीद कर फ़र्ज़ अदा करने के बाद, हर कर्मों का हिसाब वह रखता है, पता चलेगा तुझे मरने के बाद। अल्लाह को डर के सजदा कर, काम तेरे वही आएगा। आखिरत को सवार गए, दुनिया में सुकून पाएगा। आखिरत को सवार गए, दुनिया में सुकून पाएगा। यह है मौका अल्लाह ने दोबारा नहीं मिल पाएगा। अल्लाह को डर के सजदा कर, काम तेरे वही आएगा। आखिरत को सवार कर, दुनिया में सुकून पाएगा। तुम्हें अल्लाह ने बगावत की है तेरे लिए, अल्लाह से इब्लिस ने अफजल मुकाम दिया है दुनिया में तुझे। अल्लाह ने बगावत की है तेरे लिए, अल्लाह से इब्लिस ने आजमाइश के लिए भेजा है दुनिया में तुझे। अल्लाह ने हर पल की खबर वो पाता है, सब उसको नजर आता है। जो भी उसको झुठलाएगा सबक वो पाएगा, जो भी उसको झुटलाएगा दुनिया में सबक वो पाएगा। अल्लाह को डर के सजदा कर, काम तेरे वही आएगा। आखिरत को दुनिया में सुकून पाएगा। सिकंदर को जो
कदम न रख पाया था। याद कर सिकंदर को जो खाली हाथ लौटा था, फिरौन भी अपनी जन्नत में कदम न रख पाया था। याद कर सिकंदर को जो खाली हाथ लौटा था, फिरौन भी अपनी जन्नत में कदम न रख पाया था। और तबंगर को आँख में उसने मिलाया है, भूल गया जो खुदा को तू जहन्नुम में पहुंच जाएगा। अल्लाह को डर के सजदा कर, काम तेरे वही आखिरत को सवार कर, दुनिया में सुकून पाएगा। Oh,
मेरी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। मुझे विश्वास हो गया है कि एक बाप के दो बेटे हैं। तुम जिंदा हो? हम दोनों भाई भाई हैं। हम दोनों भाई। पंडित जी, हीरो कब बनेगा? लाओ हाथ। पंडित जी जल्दी बताओ ना। हाँ पंडित जी बताओ ना, मैं हीरो कब बनूंगा? गुंडे जी, तुम इस जन्म में हीरो नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम विलन के साथ हो। पंडित जी, तो इसको अगले जन्म में पहुंचा दूं? पहुंचा दो। महाकाल से खेल खेलने आया था, खत्म हो गया तेरा खेल।
महाकाल और महाकाल के आदमियों की मौत हूँ मैं, मौत। सन्नो ने गांव वालों और ग्रीन गैंग की मदद से महाकाल का अंत कर दिया। एक महाकाल के मर जाने से जुल्म और अत्याचार खत्म नहीं होगा। महाकाल जैसे गुंडे देश के कोने कोने में हैं। अगर उन्हें खत्म करना है तो देश की जनता को महाकाल जैसे गुंडों से एकजुट होकर मुकाबला करना होगा, तभी हमारे देश में शांति की स्थापना होगी। याद कर सिकंदर को जो खाली हाथ लौटा था, फिरौन भी अपनी जन्नत में कदम न रख पाया था। याद कर सिकंदर को जो खाली हाथ लौटा था, फिरौन भी अपनी जन्नत में कदम न रख पाया था। ना भूलू से दुनिया को भी दोबारा उसने बसाया है, अच्छे अच्छों को उसने ही अपना जलवा दिखाया। मुफलिस और तबंगर को खाक में उसने मिलाया है, भूल गया जो खुदा को तू जहन्नुम में पहुंच जाएगा। अल्लाह को डर के सजदा कर, काम तेरे वही आएगा। आखिरत को सवार कर, दुनिया में सुकून